दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप किसी को किस करते हो तो आपके अंदर कितने बैक्टीरिया आ जाते हैं? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस करते समय आपके अंदर कितने और कैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग टीपी टैक। तो ज़्यादा टाइम का टाइम पास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मज़ा ही कुछ और। लोग घंटों घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही स्विमिंग पूल के बाहर आते हैं उनके आँख लाल हो जाती। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं नहीं, आप अगर सोचते होंगे कि पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाया गया क्लोरीन की वजह से आपकी आँखें लाल हो जाती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का ये मानना है कि ये गंध क्लोरामाइन से आती है। क्लोरामाइन एक केमिकल है जो कि वो क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाली लिक्विड से बनती है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, पेशाब के साथ रिएक्ट करता है जो क्लोरामाइंस बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह यूरिन ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75,000 लीटर यूरिन का मात्रा होती है। क्यों चौंक गए ना? आगे मैं बताऊँगा किसिंग के बारे में। अब ये इफ़ेक्ट सुनकर आप ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास अब कोई काम ही नहीं बचा है, कि वे प्यार मोहब्बत के भी पीछे पड़ गए। किसिंग पे की गई एक रिसर्च में एक अनोखी बात सामने निकल के आई है। रिसर्च में जो फैक्ट सामने निकल के आई है वो बताता है कि दो लोग आपस में 10 सेकंड तक किस करते रहे तो 8 करोड़ से ज़्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुँह में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरियों की ढेरों बस्तियां अपने बोरियों बिस्तर उठाकर सामने वाले के मुंह में जा बैठते हैं। ये सुनकर कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगली बार से किसिंग नहीं करेंगे। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात है, किसिंग करने के दौरान ट्रांसफ़र होने वाले बैक्टीरिया, उसे आप कोई कीटाणु या वायरस ना समझें, क्योंकि इन बैक्टीरियों में से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बस एक दो बैक्टीरिया हमारे मुँह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं।